आज राहुल भाई गांधी का जन्मदिन है। ट्विटर पर पप्पू दिवस ट्रेंड कर रहा है। राहुल गांधी को बर्थडे की बधाई पहुंचे। वैसे राहुल जी बुरा मत मानना, लेकिन यही सही है कि जन्मदिन के मामले में भी तुम मोदी जी से मात खा गए। क्या हम गरीबों की तरह एक ही जन्मदिन? अरे अगर दो जन्मदिन ना हो तो जीना बेकार है। दो जन्मदिन हो तो प्रधानमंत्री नहीं तो कम से कम रक्षा राज्य मंत्री तो बन ही सकते थे। दाढ़ी तक तो बढ़ा नहीं पाए, जो दुनिया में ढंग से देश की बेइज्जती ही करवा लेते। सोच कर देखिए, सब सूटेड बूटेड खड़े हैं और बीच में हमारे दाढ़ी वाले। सोने की कढ़ाई वाले सूट में तो उनकी चमक ही अलग थी। और सुनो, कितने साल सरकार रही सरदार जी की? 10 साल। जनता को क्या मिला? तन पर कपड़े, पेट में दोनों टाइम भोजन और जेब में पैसे, बस यही ना। तभी कांग्रेस सरकार ने इतनी गालियां सुनी। अब देखो पप्पू भाई, अच्छे दिन इसे कहते हैं। भले लाशें बह गई हों, महंगे पेट्रोल डीजल सरसों के तेल ने पजामे का नाड़ा तक ढीला कर दिया हो, लेकिन मजाल है जो कोई सरकार को गाली देने की सोचे भी। हमारे पड़ोसी मिश्रा जी का लड़का मुश्किल से एक टाइम खा पाता है। तन पर फटे पुराने कपड़े हैं, लेकिन मोदी को बदनाम करने वाले को दिन भर गरियाता है। अक्सर तो मिश्रा जी का लड़का अपने कुत्ते के भौंकने की शर्त लगाकर जीत भी जाता है। और तो सुना है कि उसे गाली देने के 2 रुपए भी मिलते हैं। दो घर छोड़कर एक आदिवासी परिवार रहता है। सरकारी नौकरी लग गई है तो आजकल मोदी जी के गुण गा रहा है। हिंदू राष्ट्र बनते देखना चाहता है। मैंने उसे बताया भी नहीं कि आदिवासी भाई, हिंदू राष्ट्र में आपका कोई काम नहीं है। क्या करता, दिल टूट जाता बेचारे का। लेकिन दिन भर फर्जी खबरें फॉरवर्ड करता रहता है। घर में उड़ीसा के एक नेता की फोटो लगा रखी है, उस पर डेली फूल चढ़ाता है। वो अलग बात है कि नेता जी का नाम वो नहीं जानता। एक दिन जब मैंने उस नेता की फोटो देखी तो उसे बताया कि यह पात्रा जी हैं और इन्हें पेडिग्री के बिस्किट बहुत पसंद हैं। तब से डेली पात्रा जी बिस्किट खा रहे हैं। अब देखिए ना, आप और आपके परिवार की सबसे बड़ी मूर्खता यह रही कि आपने मूर्ख लोगों को या तो अपनी पार्टी में उच्च पद दिया या फिर उठाकर फेंक दिया। जैसे वह दर्जा प्राप्त लंबू बच्चन, जब तेल 70 रुपए का था तो भाई कार में आग लगा रहा था, अब 105 का है तो मुंह में अपना ही जुराब दबाए बैठे हैं, गधों का विज्ञापन कर रहे हैं। उधर साहब को देखो, चिराग का काम खत्म तो चिराग भी बेकार, तेल की सप्लाई ही बंद कर दी, अब जल ले भला चिराग। इसलिए इस पोस्ट को कम से कम 100 बार पढ़िए और हर एक चीज को अपनाइए। देश को कोरोना का इलाज, अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं चाहिए पप्पू जी, देश को चाहिए चूतियापे की हद तक वाली मूर्खता। कर पाएंगे आप? नहीं होगा आपसे। आज तक फालतू का पप्पू का बिल्ला हटाने की कोशिश तो की नहीं, सिर्फ 2 ट्वीट फेंकू लिखकर करिए, फिर देखिए आपका जन्म सफल हो जाएगा और साथ में देश का भविष्य भी। यह कहानी राजीव श्रीवास्तव की फेसबुक वॉल से साभार ली गई है। बाकी के लिए जीते रहिए और देखते रहिए झंझवार.com। न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया, न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया, झंझवार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।